كل نفس ذائقة الموت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد मोहतरम नाजरीन इकराम, प्रोग्राम जनाजे के अहकाम व मसाइल में आप हजरात का इस्तकबाल है। आज की नशिस्त का मौजू है मौत की तमन्ना जायज़ नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जब वो परेशान हो जाते हैं तो मौत की तमन्ना करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। मना है ये, मौत की तमन्ना न करें। कुरान करीम की एक आयत पर गौर करें, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29, वला तक्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। तुम लोग अपने आप को कत्ल मत करो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान है, रहम करने वाला है। जिंदगी मिली हुई है, हम और आप क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? लाइफ एक ही टाइम मिलती है, मौका एक ही मर्तबा मिलता है, दोबारा मौका मिले ना मिले। तेरे आजाद बंदों की नई दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की नई दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। इसलिए मुसलमानों को पक्का यकीन होना चाहिए और यकीन कर लीजिए। हम और आप सोचते ना कि मरने के बाद आराम से रहेंगे, जी नहीं, जो यहाँ नेक अमल करके जाएगा वही आराम से रहेगा, जो नेक अमल नहीं करेगा वो आराम से बिल्कुल नहीं रह सकता है। इसलिए धोखा है, जो लोग अपने आप को मार रहे हैं, जहर पी रहे हैं, फिर इसी तरीके से ट्रेन के आगे कट जा रहे हैं, पहाड़ के ऊपर से कूद जा रहे हैं, पिस्तौल मार ले रहे हैं, फिर इसी तरीके से अपने आप को छुरा भोंक दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, यानी अपने आप को मार रहे हैं, तंग आ गए हैं। मेरे भाइयों, दुनिया की तंगी चाहे जैसी भी रहे, ये आसानी है, लेकिन जब मौत की तंगी शुरू होती है और कब्र की परेशानी शुरू होती है, उससे ज़्यादा भयानक मंजर कोई है ही नहीं। इसलिए हमें और आपको मौत की तमन्ना बिल्कुल नहीं करनी है। जिन भाइयों ने इरादा कर लिया, जिन बहनों ने इरादा कर लिया, उन्हें चाहिए कि वो इरादे को छोड़ दे, तौबा कर ले, क्योंकि लाइफ मिली हुई है, यही अमल करना है भाई। दोबारा मौका नसीब हो कि ना नसीब हो, मरने के बाद फिर मौका कहाँ मिलता अमल करने का? जो अमल करना है दुनिया में करना, मरने के बाद अमल थोड़े ना है, वहाँ तो हिसाब किताब है, तो वहाँ मौका नहीं मिलेगा। अफसोस करेंगे, काश के दुनिया के अंदर चले जाते, नेक अमल करते, तो मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मौत की तमन्ना करना जायज़ नहीं है, मना है। हदीस के अंदर आया सही बुखारी किताबुल मर्ज़ा किताब नंबर 75 हदीस नंबर 56-73, वला यतमन्नयन्ना अहदकुमुल मौत इम्मा मुहसिनन फलअल्लहु अन यज़दाद खैरन व इम्मा मुसीअन फलअल्लहु अन यस्तअतिबा। तुम में का कोई भी आदमी मौत की तमन्ना न करे, अगर वो नेक है तो नेकी में और इजाफा होगा, और अगर वो बुरा है, हो सकता है अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए हमें और आपको बचना है। तो जितना ज़्यादा नेकी जमा करेंगे उतना ही कम है, लेकिन कोई बुरा आदमी है, वो मर गया, मार लिया, मौका कहाँ मिला, तौबा की तौफीक मिली नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करना। अगर वाकई परेशानी है तो परेशान हाल लोगों को देखें, उन लोगों ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है, वो लोग कैसे रहे हैं। अगर हम और आप देखते हैं तो हमको तसल्ली मिलती है, अरे भाई हम तो आराम में हैं, दूसरे और लोग ज़्यादा परेशानी में है। हाँ, लेकिन एक हदीस के अंदर आया कि अगर आदमी वाकई परेशान है, अल्लाह ने बहुत ज्यादा आजमाइश में डाल दिया है, तो ये बोल सकता है। हदीस के अंदर आया सही बुखारी किताबुद दावात किताब नंबर 80 हदीस नंबर 63-51, अल्लाहुम्मा अहयनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ्फनी इज़ा कानतिल वफातु खैरन ली। कि ऐ अल्लाह, मुझे जिंदा रख जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, ऐ अल्लाह मुझे मौत दे दे जब मौत मेरे लिए बेहतर है। लेकिन अपने आप को खुद लेकर ना मारे, खुदकुशी ना करे, सुसाइड ना करे, अपने आप को हलाक ना कर ले, बल्कि सब्र करे। सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह, और सब्र का फल मीठा होता है। भाई जितनी परेशानी आ रही है, ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा एक ही तरीके का रहेगा, परेशानी ख़त्म हो जाएगी, फिर अल्लाह ताला आसानी पैदा करेंगे। ये दुनिया का एक निज़ाम है, वो चल रहा है, कभी परेशानी कभी आसानी। खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, जहाँ बचती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। तो दुनिया की तकलीफ ये आराम है, याद रखिएगा, दुनिया की तकलीफ आराम है, लेकिन मरने के बाद की तकलीफ बहुत परेशानी है, उसको झेल ही नहीं पाएगा, कोई चांस ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो कम से कम मौका मिला हुआ सुधरने का, तो क्यों हम और आप अपने आप को हलाक कर रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों अपने आप को दुनिया से ख़त्म करना चाहते हैं? कितने लोग पूरे ख़ानदान समेत ही मर जाते हैं। कहीं कहीं आप देख लीजिए, किसान लोगों को बेचारे के खेत में नुकसान हो गया, फिर इसी तरह वो कर्ज लेकर आए हुए हैं, क्या करेंगे, बैंक का कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, परेशानी। और अपने भारत देश में तो सबसे ज़्यादा किसान लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा किसान लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं।
और दूसरी जगह के भी लोग मर रहे हैं, कुछ लोग खुशी में मर रहे हैं, कुछ लोग गम में मर रहे हैं, और मरने वालों का देख लीजिए अलग अलग तरीका है मरने का। यानी मरने को लोगों ने हलवा समझ लिया है। मेरे भाई ये हलवा नहीं है, ये परेशानी है। और जब परेशानी शुरू होगी वही जान सकता है जो कुरान और हदीस का इल्म रखता है कैसे परेशानी शुरू होती है, आदमी कितने तकलीफ में रहता है। दुनिया के अंदर जो भी तकलीफ है वक्ती तौर पर है, एक ना एक दिन वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें और आपको कुरान और हदीस को सुनना है, नेक लोगों के साथ रहना है, मस्जिद के अंदर आइए, अल्लाह को याद कीजिए, सुकून आपको मिलेगा, नेक लोगों की सोहबत में रहिए, तो इस तरीके से हम और आप गलत चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। तन्हाई में मत रहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों की ज़िंदगी को अच्छी ज़िंदगी बना दे, जो परेशानी अल्लाह दूर कर दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।